सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी का जो इंडेक्स है 22,375 के आसपास कारोबार कर रहा है। लगभग 147 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है मॉर्निंग सेशन में। निफ्टी ने जो हाई बनाया 22,775 का बनाया और वहाँ से गिर कर इस वक्त 22,370 के आसपास कारोबार कर रहा है। जो लो आज का बनाया इंट्राडे का निफ्टी का 22,263 का बना है दोस्तों, तो लगभग 100 पॉइंट की एक तेज़ी बनी है। नीचे से बाज़ार ऊपर की तरफ आया है, निफ्टी का इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ आया है। तो ये जो बाज़ार गिरा है आज, प्रॉफिट बुकिंग जो देखने को मिल रही है, क्या कारण बना है उसकी बात करते हैं और आगे बाज़ार किस प्रकार का रहेगा उस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। आगे जो खबरें आएंगी, न्यूज आएंगी, इस पॉइंट के ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। निफ्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत सारे शेयरों में गिरावट है। एक तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, पिछले हफ्ते ऊपर की तरफ था बाज़ार और 23,000 की बात चल रही थी, तो आज अचानक से जो गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, उसका जो कारण है जियो पॉलिटिकल्स, कुछ वॉर की खबरें आ रही हैं। इसराइल और ईरान के बीच वॉर की खबरें आ रही हैं, तो इसीलिए मार्केट में आज एक तरह से करेक्शन है, ग्लोबली एक तरह से करेक्शन चल रहा है दोस्तों। और इस तरह की खबरें बीच बीच में आती रहती हैं, तो पिछले हफ्ते तक मार्केट तेज था, आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो 22,775 लगभग 23,000 के आसपास तक पहुंच गया था, बट ये कि अभी नीचे की तरफ आया है। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे और जो गिरावट का कारण है, कोई ना कोई खबर बनी रहती हैं, आगे भी इस तरह की खबरें आएंगी, तो अगले एक दो महीने बाज़ार में उतार चढ़ाव बढ़ने वाला है। जैसे कि निफ्टी इंडेक्स 150 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट ऊपर, इस तरह से चल सकता है। और जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे रिजल्ट्स दोस्तों। Q4 FY24 के नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि TCS के नंबर्स आए हैं, तो स्टॉक नीचे की तरफ था, थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है और TCS ने डिविडेंड भी दिया है। तो आगे भी जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे होंगे, स्टॉक्स में गिरावट रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उनमें रिकवरी या बाइंग आती हुई नज़र आ सकती है। तो आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं उनके नतीजों के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और आगे वो स्टॉक उसी तरह से चलते हैं। बाज़ार में किसी खबर के कारण गिरावट आती है या फिर जैसे भी वॉर के कारण गिरावट आती है या फिर इलेक्शन का जो टाइम है, समय है, तो उसके वजह से गिरावट आती है। तो कंपनियों के नतीजे अच्छे होंगे तो, और कंपनी अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो वो शेयर फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए 22,775 का इसने हाई बनाया था, वहाँ से गिर कर अभी 22,263 तक आ गया है। तो जो तेज़ी बनी थी आज अचानक से एक तरह से देखिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और जिन्होंने कम समय के लिए लिया होगा या मोमेंटम में स्टॉक लिए होंगे तो वो उनके प्राइजेस अभी नीचे की तरफ देखने को मिल रहे होंगे। बट ये कि अगर साल भर के अनुसार आप देखेंगे तो निवेशक एक तरह से प्रॉफिट में ही बैठे हैं दोस्तों। कोई भी शेयर आप उठा के देख लीजिए तो ऊपर की तरफ ही हैं। निफ्टी देखिए 17,553 से बढ़कर 22,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है अभी भी, तो काफ़ी तेज़ी रही है निफ्टी में। और निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ है तो उसी तरह से जो हैवी वेट शेयर्स हैं उनमें भी एक तरह से तेज़ी रही है, और मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में तो ज़बरदस्त तेज़ी रही है। तो निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो देखिए निफ्टी इंडेक्स की बात कर लेते हैं, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो निफ्टी में एक अच्छी तेज़ी बनी है दोस्तों। देखिए बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है इसमें, और निफ्टी का जो इंडेक्स है ऊपर की तरफ ये जो बड़ा है 18,850 से सीधे से देखिए ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है। बीच बीच में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो 21,600 के आसपास से ये बढ़कर 22,775 तक पहुंचा है, फिर से एक तरह से यहाँ पर करेक्शन है। तो जो सपोर्ट रहेगा इसका 22,263 जो लो बनाया है इसने वो रहेगा, और दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 22,187 का रहेगा दोस्तों। 22,000 का एक सपोर्ट रहेगा, और ये डेली कैंडल्स हैं। और RSI की बात करते हैं तो इस वक्त 51 में है, नीचे की तरफ और गिरावट आती है
यानी मैं आगे आने वाले दिनों में नीचे की तरफ अगर इंडेक्स आता है तो इसमें बाइंग भी देखने को मिल सकती है, ऊपर की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी का जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, जब तक ये 22,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, मैं ऊपर ही रहेगा तो एक तेज़ी बनी रहेगी। आज की जो गिरावट है, तो जो जियो पॉलिटिकल का इशू बना हुआ है इसराइल और ईरान के बीच, वॉर की जो खबर आई है, तो उसके वजह से इसमें गिरावट है। जैसे कि अब नतीजे भी आ रहे हैं, तो जिन कंपनी को नतीजे अच्छे होंगे तो वो स्टॉक ऊपर की तरफ दिखाई दे सकते हैं, उनमें बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है। तो आपके जो पसंदीदा शेयर हैं नीचे की तरफ दिखाई देते हैं, तो उनमें पार्ट में खरीदारी करना चाहिए दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।